फिल्म पद्मावती को लेकर हो रहे विरोध और तोड़फोड़ से दीपिका पादुकोण काफी आहत हैं, दुखी हैं, नाराज हैं। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी से इस मामले में अब सीधे दखल देने की अपील की है। दरअसल सूरत में आर्टिस्ट कर्ण ने पद्मावती की रंगोली को 48 घंटे की मेहनत से तैयार किया था, लेकिन तभी करीब 100 से ज्यादा लोग श्रीराम का नारा लगाते हुए आए और रंगोली बर्बाद करके चले गए। सूरत के आर्टिस्ट करण ने रंगोली को बर्बाद किए जाने की अपनी पूरी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसके बाद फिल्म पद्मावती में पद्मावती का किरदार निभा रही दीपिका पादुकोण ने इस पूरी घटना पर दुख जताया। दुख सिर्फ इसे नहीं जताया, एक के बाद एक ट्वीट किया है। आर्टिस्ट करण की शिद्दत से किए गए काम को पल भर में नष्ट होते देखना बहुत दुखद है, दीपिका ने ये ट्वीट किया। इसके अलावा दीपिका ने यह भी लिखा है, ये कौन लोग हैं, रंगोली नष्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब और कब तक चलेगा। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मेरा पूरा 48 आवर्स का यहाँ पे मेहनत लगा हुआ था। 8 फीट बाय 8 फीट की रंगोली थी और फ्राइडे को मैंने वर्क स्टार्ट किया था और संडे शाम को मैंने आधी रंगोली कंप्लीट की थी। सो उसके बाद मैं जैसे ही घर पे गया तो मुझे कॉल आया कि भाई यहाँ पे कुछ 100-150 लोगों का क्राउड आया और आपकी रंगोली को पूरा बिगाड़ दिया है। सो सिक्योरिटी मैनेजर से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई क्राउड आया था, स्पेसिफिक कोई कम्युनिटी से था, आई डोंट नो विच कम्युनिटी। सो वो लोग डायरेक्ट यहाँ पे आए और किसी से भी बात नहीं की, इवन मैनेजर से भी बात नहीं की, और डायरेक्ट यहाँ पे प्रायर नोटिस के बिना आए और जय श्री राम का नारा लगाकर डायरेक्टली मेरे रंगोली पर अटैक कर दिया।